जिला प्रशासन के द्वारा ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जा किए हुए हैं और शहर में ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर रहे हैं और शहर की सुंदरता को दागदार कर रहे हैं। वही विडंबना यह है कि रैन बसेरे खाली हैं, जिसके संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया कि जनपद में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोगों के लिए सरकार द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है, जहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर अपना गुजारा कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। उसी के तहत एक अभियान चलाया गया, जितने भी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं उन सभी को रैन बसेरे में पहुंचाया गया और समझाया गया कि सरकार पूरी तरह से हर सुविधा दे रही है, खुले में ना सोए तबीयत खराब होने की संभावना होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, सरकार ने सेंटर बनाया है, वहाँ जाओ, यहाँ ठंडे में नहीं रहना है, ठंडे में नहीं करना है। आप रोड पे आओगे जाके धूप में जाओ, सेंटर में आप रोड पे नहीं आओगे, चीख पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, ये लेके आप रैन बसेरे में जाओ। रैन बसेरा कहाँ है, खा सकते हैं, यहाँ पे आप खुली हवा में रहते हो, मतलब और बच्चे छोटे छोटे तुम्हारे, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपको रैन बसेरा छात्र संघ के पास है, चलो मैं दिखा देता हूँ तुमको, लेके वहाँ जाओ, यहाँ पे नहीं, ठंडे में नहीं रहो, ठंडे में नहीं रहना, इसको बोल दो जल्दी आप जाके रैन बसेरा में जाओ, रैन बसेरा में, यहाँ सर्दी में नहीं रहना है, सरकार ने आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया इंतजाम किया, वहाँ जाओ, जान ही नहीं, आपके बच्चे उधर ये रोड पे आएंगे तो अभी बम्बर बुला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आप समझ जाओ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात में ऐसा नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में समझ में आती है, आप ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं, अधिकारी आप समझ रहे हो, वहाँ पर नुकसान की जिम्मेदारी दिया गया, समझ गए, सरकार जहाँ साफ बताते हैं वहीं जाओ, बच्चे छोटे बच्चे इनको पहना ही नहीं कपड़ा आपने, आप समझ रहे हो, लेके जाना है सेंटर में, रैन बसेरा पूरा खाली पड़ा, जहाँ जाओ वहाँ चले, वहाँ आपको पानी भी है, लैट्रिन भी है, सब कुछ है, यहाँ आप कहाँ जाओ, आप जाकर वहाँ चलो, यहाँ से चौराहे से नहीं होता तो हम लोग लेकर तो दिखा देते हैं, आपको समझ में आता है, और नहीं तो जो बस स्टैंड के नीचे बचो, अब खुले में ऐसे रहोगे ठंड लग जाए, बड़ी मुश्किल से बच्चे बच्चे होते हैं, समझते हैं, समझ में बचाना है आपको, अभियान देखिए, एक्चुअली सर्दी पड़ रही है और सर्दी अभी आने वाले दिनों में, अभी जैसा कि मौसम, मतलब ये जो हमें जानकारी है कि 4 तक बहुत सर्दी होगी, तो उसी के तहत जो खुले में ये आदमी रह रहे हैं, तो रैन बसेरे में हम लोग लगे साहब ने बोला है कि पूरी उसकी मॉनिटरिंग हुई, उसमें जो जो जहाँ मिल रहा है उनको रैन बसेरे में पहुँचा रहे हैं, ये थोड़े दूसरे टाइप के आदमी हैं, वो इसमें आधे तो स्पैकी हैं, तो मतलब दिमाग में, मतलब वो बिल्कुल नशे में धुत रहते हैं, और इनके छोटे बच्चे हैं वो रोड पे आ जाते हैं, तो वो हम लोग को देखा भी, ये हम लोग के संज्ञान में आया, तो उसी के तहत हमने इनको बताया कि आप लोग यहाँ से हट के रैन बसेरा पूरा खाली है, जैसे छात्र संघ का रैन बसेरा खाली है, वहाँ पे इनको हम जगह दे रहे हैं, ऊपर महिलाओं को चले जाए, नीचे पुरुषों का है, इसके अलावा कहीं शेल्टर में जाएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, अभी सर्दी का प्रकोप है, सर्दी से बचाना इनको है, तो उसी के तहत मैं और अपना जिला प्रशासन, जिला पुलिस हमारे साथ में है, चौकी चार यहाँ पे अपने नगर निगम के हैं, वो मेरे साथ में, हम लोग भी साथ में आए, दुबे साहब भी मेरे साथी हैं, दुबे आजम सब सारे हम लोग मिल के इनको बताए, समझाने आए कि यहाँ से आप कहीं शेल्टर में जाइए, तो अभी जैसे ही तो भाग गए,
अभी दोबारा एक बार हम लोग फिर आएंगे, इनको लेके कहीं शेल्टर में ले जाना चाहते हैं, वही समझाना चाहते हैं कि आप शेल्टर में जाओ, नीचे मत रहो या खुले में मत रहो। जब सुविधा सरकार दे रही तो आप उसको रहो, आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब वही समझाने आए। तो कुछ पब्लिक का भी सुझाव था कि सर ये मतलब वो करेंगे, तो हमने कहा जहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड का भी शेल्टर है, थोड़ा बच्चे और छोटे बच्चे हैं, हमें इनको इनकी जिंदगी बचानी, वही मैं समझाने हैं।